विकसित भारत संकल्प यात्रा सरकार की प्रमुख योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 नवंबर 2023 को झारखंड के खूंटी से विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत की। विकसित भारत संकल्प यात्रा एक तरह से देश के गरीबों को, देश की माताओं बहनों को, देश के नौजवानों को, देश के किसानों को मोदी की गारंटी है। माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से जनपद वाराणसी में भी 22 नवंबर 2023 से विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ किया गया। ये यात्रा ग्रामीण क्षेत्र के 694 ग्राम पंचायतों और नगरीय क्षेत्र के 110 वार्डों को कवर करेगी। जनपद में ग्रामीण क्षेत्र में 8 वैन और नगरीय क्षेत्र में 1 वैन के द्वारा सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। ये वैन जिन जिन ग्राम पंचायतों और वार्डों में जा रही है वहां पर संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें नागरिकों और जन प्रतिनिधियों के द्वारा बढ़ चढ़ कर प्रतिभाग किया जा रहा है। 100% कवरेज के लक्ष्य के साथ शुरू की गई ये यात्रा वाराणसी में 26 जनवरी 2024 तक अनवरत चलती रहेगी। ग्रामीण एवं वार्ड संवाद कार्यक्रम के साथ साथ ग्राम पंचायतों और वार्डों में लोगों को सरकार की योजनाओं से लाभान्वित कराने के लिए विभिन्न योजनाओं के एवं स्वास्थ्य परीक्षण के स्टॉल लगाए जा रहे हैं, जिससे योजनाओं का तात्कालिक लाभ जनता को दिया जा सके। वैन के माध्यम से ऑन स्पॉट क्विज में स्थानीय लोगों के द्वारा प्रतिभाग किया जा रहा है और पुरस्कार भी जीते जा रहे हैं। यात्रा के दौरान किसानों को आधुनिक तकनीकी से दक्ष बनाने के लिए ड्रोन के माध्यम से नैनो यूरिया के छिड़काव का प्रदर्शन किया जा रहा है और प्राकृतिक कृषि के बारे में भी किसानों को जागरूक कराया जा रहा है। एक अभिनव पहल के तहत डोर टू डोर सर्वे के माध्यम से ग्राम में यात्रा पहुंचने से पूर्व सर्वेक्षण का कार्य किया जा रहा है, ताकि सभी पात्र लाभार्थियों को योजनाओं से संतृप्त किया जा सके। हम सभी पंचायत सहायक जो भी भारत सरकार द्वारा 27 योजनाओं के लिए सर्वे करने के लिए दिया गया है, हम डोर टू डोर जाकर सर्वे कर रहे हैं और इन सभी 27 योजनाओं में जो भी योजना जैसे आयुष्मान कार्ड, प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री, इन सभी योजनाओं का हम लाभ दिलाने का प्रयत्न कर रहे हैं। और इस पूरे कार्य के सघन पर्यवेक्षण हेतु जनपद स्तर पर एक कंट्रोल रूम भी स्थापित किया गया है। आइए सुनते हैं, पिछले 9 सालों में विभिन्न योजनाओं के कारण लोगों के जीवन में आए सकारात्मक परिवर्तन की कहानी उन्हीं की जुबानी। हमको उज्ज्वला योजना से गैस चूल्हा मिला है। पहले हम चूल्हा पे खाना बनाते थे लकड़ी से, उसे धुआं लगता था। अब गैस पे बनाते हैं, उसे धुआं नहीं लगता है। माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा मुझे आयुष्मान कार्ड प्राप्त हुआ, जो कि मुझे मुफ्त इलाज 5 लाख की मिलती है। मेरी बहू का इलाज इसी पर 5 लाख की आयुष्मान कार्ड पर ही ऑपरेशन वगैरह हुआ है। विकसित भारत संकल्प यात्रा से जहां जनपद के हर कोने में सकारात्मक वातावरण का सृजन हो रहा है, इस अभियान में बड़ी संख्या में लोगों की भागीदारी न केवल राष्ट्र को विकसित भारत बनाने के संकल्प की गवाही दे रही है, अपितु विश्व पटल पर भारत को स्थापित करने की दिशा में अग्रसर कर रही है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से 9 दिसंबर और 12 दिसंबर को आईटीआई करौंदी में सांसद रोजगार मेले का आयोजन किया गया। रोजगार मेले में अभ्यर्थियों की सुविधा हेतु पोर्टल बनाया गया और इंटरव्यू के लिए प्रशिक्षण भी दिया गया। इस मेले में 300 से अधिक कंपनी और 20,000 से अधिक अभ्यर्थियों के द्वारा प्रतिभाग किया गया। साथ ही 11,000 से अधिक अभ्यर्थियों को रोजगार हेतु ऑफर लेटर दिया गया।
इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी जो बनारस काशी के सांसद भी है उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मैं मोदी जी को धन्यवाद देती हूँ।